गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और मैं अब आ गया, मतलब मैंने बहुत पहले अनाउंसमेंट की थी इल्यूजन पार्ट टू की, लेकिन वीडियो आज इतनी देर दिनों बाद रही है, कुछ थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। लेकिन भाई इल्यूजन कमाल के लाया हूँ। चलो जल्दी से पहले इल्यूजन पे चलते हैं। इल्यूजन में तुम्हें समझ आ गया होगा कैसे किया मैंने, सिर्फ एक ही पैर में दो जूते बांध रखे थे और बाकी तो आपको पता ही होगा कैसे करते सब। अब मैं आपको ले आता हूँ सेकंड इल्यूजन पे, चलो जल्दी से। मेरे पास है ये एक बॉक्स, एक बॉल और एक ये जिसके ऊपर ऐसे लग जाता है, एक सेकंड, ये देख सकते हैं ये ऐसे लग जाता है। तो मैं इसके अंदर ये बॉल डाल देता हूँ और इसे कर देता हूँ मैं पैक। तो मैंने इसे इसके अंदर बंद कर दिया है अच्छी तरीके से, एंड मैं अभी आपको दिखाऊंगा इसे बाहर कैसे निकाल सकता हूँ मैं। और ये पूरी तरीके से पैक हो चुकी है इसमें, और दिखाता हूँ ये पैक हो गई है। तो निकालने के लिए सिर्फ आपको ऐसे करना है, एक दो एंड आपको सेकंड इल्यूजन। ये इल्यूजन कैसे हुआ है मैं बताता हूँ आपको अब। तो सबसे पहले ये थोड़ा सा टूट गया है तो इसे इग्नोर मानना। मैं बॉल इसके अंदर तो डालता हूँ, लेकिन आप अगर ध्यान से देखो ये ट्रांसपेरेंट है। तो अगर मैं इसे ऐसे लाइक साइड में, अभी तो मेरा ये खुल चुका पूरा यार इसके अंदर पहले, तो मैं जब लगाता हूँ इसे तो मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ ऐसे, जहाँ से पैक है इसके ऊपर लगा देता हूँ। लेकिन असलियत में आपको लगता है ऐसे कि ये पैक हो चुका है सारी साइड से, लेकिन ये इस साइड से खुला है लेकिन आपको दिखता नहीं है। तो यही थी इसकी ट्रिक और ये टूट चुका है ठीक है से। अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो इस वीडियो को यार जल्दी से। और हाँ, अब जो तीसरा इल्यूजन मैं आपको दिखा, इल्यूजन कह लो या फिर कुछ और, लेकिन जो मैं तीसरी चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ वो अपने घर पे ट्राई मत करना ठीक है। चीज है ये, अगर तुम ध्यान से देखो तो सेफ्टी पिन मेरे हाथ के आर पार हो चुकी है। बताती है मैंने किया कैसे। तो सबसे पहले भाई तुम लोगों को एक ग्लू चाहिए होगी, वो अजीब ही ग्लू है, मतलब मेरे को भी नहीं पता कैसी होती है। ऐसी कुछ ग्लू होती है जो बहुत ज़्यादा ही चिपकती है। तो उससे आप क्या कर सकते हो, अपने हाथ कहीं पे भी आपको लगानी है थोड़ी सी, एंड जो पिन है उसको वहाँ पे ऐसे करके रखना है एंड दोनों साइड से ऐसे चिपका देना है। तो एक ऐसा इफ़ेक्ट आएगा। और आजू बाजू आप अगर रेड कलर लगा देंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा वो, मतलब अच्छा तो नहीं लगेगा, थोड़ा सा ज़्यादा डेंजरस लगेगा। तो आप कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हो, रेड में ये वाला भी यूज़ कर सकते हो, वाटर कलर में कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। मैं स्टिक मैन को तैराने वाला हूँ, एक्चुअली फ्लोट कराने वाला हूँ। तो मेरे पास कुछ पानी है और मैंने इसके ऊपर डाल दिया। अगर आप देख पा रहे हो तो ये अपनी जगह भी चेंज कर रहा है धीरे धीरे और काफ़ी मस्त लग रहा है, तो इसलिए मेरा फेवरेट भी है। और आप ये कर भी सकते हो, मैं अभी आपको बताऊँगा कैसे। ऐसे अब इसकी ट्रिक पर आते हैं। तो ट्रिक बहुत सिंपल है, एक एल्यूमिनियम फॉइल लो, कोई भी चीज़ ले सकते हो, बर्तन ले सकते हो या फिर अपनी टेबल पे भी कर सकते हो, लेकिन टेबल पे थोड़ा डेंजरस है तो मत ही करो। और नेक्स्ट एल्यूमिनियम फॉइल ही ले लो आप लोग, एंड आपको चाहिए वाइट बोन मार्कर, और कोई मार्कर मत लेना, सिर्फ वाइट बोन मार्कर लेना। अब इस टाइम मैं आपको बना के दिखाता हूँ एक स्पाइडर छोटा सा ऐसा, ये मैंने बनाया। अब इसे एक्चुअली आपको इस पे थोड़ा डार्क चलाना है जो भी आप कर रहे हो ठीक है, एंड देन वाटर डालना है इस पे। तो ये मैंने यहां पर पानी डाल दिया है। अगर आप धीरे धीरे देखें तो ये ड्राइंग फ्लोट कर रही है इस पे, और अगर मैं इसे आगे बढ़ाऊं तो ये आगे भी जा रही है ना, काफ़ी कमाल यार। मैं इसे दिन भर करते रहता हूँ, वैसे मेरे को काफ़ी मज़ा आता है ये करने में, तो आप भी कर सकते हो यार। और मैंने चार ट्रिक बता दी आपको क्या क्या थी। और भाई एक चीज़ और,
इस वीडियो को चार दोस्तों में, कोई भी चार दोस्तों में शेयर कर दो भाई जल्दी से, और उनसे कह दो कि सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को। और बाय, मैं जा रहा हूँ, आज इतना ही है, मिलूँगा मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।